नमस्कार दोस्तों, आज सुबह बॉलीवुड जगत से एक बहुत बड़ी दुखद खबर आई है। हमारे इंडिया की मशहूर और सबसे बड़ी स्वर की कलाकार लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। जी हां दोस्तों, पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रिज फ्रंट अस्पताल में भर्ती थी। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उनका इलाज किया जा रहा था। हालांकि वो कोरोना से जंग जीत चुकी थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। रविवार की सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और उसके बाद इनका निधन हो गया। और इनके इस निधन से पूरा बॉलीवुड और पूरा हमारा इंडिया शोक के माहौल में डूबा हुआ है। आपको दोस्तों बता दें कि लता मंगेशकर ने करीबन तरह तरह की लैंग्वेज में टोटल 30,000 से भी ज्यादा गाना गाए थे। दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से लता मंगेशकर को हम श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो उनकी आवाज और उनके गाने हमारे इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर रहेंगे।